हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। मैं भी बहुत ठीक ठाक ही हूँ। थोड़ा सा जुकाम हो गया, बस वही है। थोड़ा सा बात करने में आवाज़ का ये हो रहा है, और ऐसा मतलब प्रॉब्लम है, बट अदरवाइज मैं ठीक हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है, मैं आज मॉर्निंग टू नाइट ब्लॉग शेयर करूँगी। सुबह से लेके रात तक का मेरा क्या रूटीन है, मैं आज वो शेयर करूँगी, क्योंकि ये वाला ब्लॉग मैंने अभी तक नहीं किया है। बहुत दिनों से सोचा था, तो सोचा कि आज ही कर लेती हूँ। और ये देखिए, उस दिन जो मैंने मेहंदी लगाया था, उसी का कलर है। दो दिन हो गया, इसलिए थोड़ा सा कलर जा रहा है, नहीं तो ऐसे कलर अच्छा ही आया था। तो मैं जुकाम की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है बातें करने में, लेकिन सोचा कोई नहीं, थोड़ा सा कर लेती हूँ वीडियो, बाकी का बाद में देखेंगे। अभी मैं थोड़ा सा मतलब अदरक वाली चाय पीऊँगी। एक बात मैं आप लोगों से शेयर करने चाहती थी बहुत दिनों से, कि मुझे नहीं पता है क्या हुआ है, बट मेरे जो एक वीडियो है, मैंने एक रेस्टोरेंट या ढाबा का वीडियो दिया था, पता नहीं, बट उसका व्यू 150 के ऊपर ही चला गया था। बट अचानक से उसका व्यू अपने आप ही 60 ऐसा कुछ हो गया। बट मुझे नहीं आइडिया है कि क्या हुआ है, ऐसे व्यू बढ़ के भी कम सकते हैं क्या? अगर आप लोगों को पता है कि किस वजह से ये हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे आइडिया नहीं है कि किस वजह से ये हुआ है। मुझसे कोई गलती हुआ है, या फिर वीडियो में कुछ मैंने ऐसा कुछ दिया है क्या, जिस वजह से मेरा व्यू कम गया है? एक बार व्यू होने के बाद कैसे कम सकता है? मैं खुद ही 2 दिन से सोच में पड़ गई कि हुआ क्या है मेरे साथ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो आप लोगों को अगर पता है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा है इसको लेकर, कि अचानक से इतना सारा व्यूज़ कम जाना। मेरे लिए तो 100 व्यू अभी मेरे लिए बहुत है, बट अचानक से वो कम जाना, मतलब किस वजह से हुआ, वो वजह मुझे जानना था। क्योंकि अगर रीज़न नहीं जानूंगी, तो फिर से मेरे से शायद वही गलती हो, क्योंकि मुझे इतना प्रॉपरली इतना यूट्यूब के बारे में, टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में नहीं पता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी वैसा कुछ दिया है कि मतलब मेरे साथ थोड़ा व्यूज़ कमे, या फिर कुछ ऐसा कुछ हो, क्योंकि मैंने सिर्फ एक वीडियो दिया था, उसमें ना मैंने कुछ उसे लिखा, ना किसी के बारे में कुछ भी किया, और कुछ भी नहीं था। तो पता नहीं क्या हुआ है, तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा। थोड़ा सा टेंशन है इस बात को लेके, तो वही आपके साथ ये बात मुझे शेयर करना था, क्योंकि मुझे नहीं पता है सब बात। तो चलिए कोई नहीं, तो चलिए मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ, मैं नहा के आती हूँ, तो फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखते रहिए मेरी वीडियो को पूरा। मैं रेडी हो गई हूँ, आप लोगों ने देख लिया, जैसे कि रेगुलरली मैं करती हूँ, मैं लिपस्टिक ही लगाती हूँ, सिर्फ वही किया। तो अब मैं जाऊँगी ट्यूशन पढ़ाने, कड़ा घुसा गया। तो आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं पूरा रात तक करूँगी। तो अभी मैं थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी ट्यूशन कराने जाना है। तो मैंने खाना वगैरह लंच कर लिया है, सब कुछ करके अभी मैं ट्यूशन के लिए निकल रही हूँ, और मिलती हूँ आपसे डायरेक्ट इवनिंग को ट्यूशन के बाद। ये बीच में गायब हो रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिए, मिलती हूँ आपसे शाम को।
तो मेरा ट्यूशन सब कंप्लीट हो गया है और मैं आ चुकी हूँ घर पे सारा दिन के ट्यूशन के बाद। तो अभी मेरा रूटीन जो है, अभी मैं थोड़ा चाय बनाऊँगी अपने लिए, चाय बना के पीऊँगी, फिर अपने थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और बाकी जो भी मोबाइल में, क्योंकि अभी आईपीएल चल रहा है तो अभी मैं आईपीएल देखूँगी, क्योंकि मुझे आईपीएल देखना बहुत अच्छा लगता है। आज का दिन भर का दिन, आज का नहीं, मेरा डेली का ही ऐसा भागा दौड़ी का रूटीन रहता है। दोपहर को निकलो, शाम को 7 के बाजे 7 बजे के बाद ही आती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ, फिर मोबाइल में जो कुछ बिल्कुल सुबह टाइम नहीं मिलता है तो थोड़ा बहुत सीरियल वगैरह ये सब देखती हूँ, एक दो वो देख लेती हूँ, फिर घर में सबके साथ ऐसी। तो अभी तो आईपीएल का सीजन चल रहा है तो अभी आईपीएल ही देखती हूँ। तो आज का ब्लॉग का जो स्पेशल ये है कि आज मैं डिनर बनाऊंगी चिकन, तो आज आपके साथ मेरा बनाया हुआ चिकन शेयर करूंगी, तो वो बना के मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आप लोग देखिएगा मैं कैसे बनाती हूँ। तो और थोड़ा देर रेस्ट कर लेती हूँ, फिर चलती हूँ किचन में और फिर आपके साथ डायरेक्ट किचन में मिलते हैं एक चिकन के रेसिपी के साथ। हे गाइस, मैंने सोचा था कि चिकन आया है, मैंने आप लोगों को चिकन ही बता दिया पहले, सॉरी फॉर डैट, बट मतलब चिकन नहीं आया है, मटन आया है और मटन बनने में टाइम लगता है। और उस बीच में एक और गलती हो गया कि मुझे लगा था कि वीडियो हो रहा है बट हुआ नहीं, इस वजह से मैं आप लोगों को पूरा वीडियो अच्छे से नहीं दिखा पाई। मैंने सोचा था कि पूरा दिखाऊंगी वीडियो जो भी बनाऊंगी, बट पहले नहीं हुआ तो बाद में भी मैंने और नहीं किया, बस थोड़ा सा क्लिप एक दे दिया मटन करी का, इतना ही। तो हो गया है, डिनर में मैं डिनर करूँगी। एक चीज़ है कि मेरा ना यहाँ का जो हेयर है वो कमता जा रहा है, पता नहीं क्या लगाने से क्या ठीक होगा नहीं है। मैं तो हेयर केयर में ऑयल हो, कंडीशनर हो, शैम्पू हो, सभी यूज़ करती हूँ, बट पता नहीं अच्छा नहीं लगता यहाँ पे, इसलिए बालों को थोड़ा ऐसे ही रखती हूँ। और आप लोगों के पास अगर कुछ सजेस्ट करने के लिए प्रोडक्ट हो, हेयर ना झड़ने का कोई प्रोडक्ट ऐसा हो, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मेरा बहुत बड़ा एक हेल्प हो जाएगा, क्योंकि मैंने 2-3 प्रोडक्ट आज अभी तक यूज़ कर लिया है, कोई मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं करता है। तो ऐसा मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए को शायद मुझे सूट करे और मुझे मतलब मेरे हेयर अच्छा हो तो मुझे भी अच्छा लगेगा, वरना इस वजह से मुझे बहुत कभी कभी बहुत ख़राब लगता है। तो वीडियो को और लॉन्ग नहीं करूँगी, यही था मेरा मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। तो थोड़ी देर में मैं डिनर कर लूँगी, उसके बाद सोऊंगी, नहीं सोने का इतना जल्दी सोना होता नहीं है, मोबाइल टिपते रहो, फेसबुक वगैरह ये सब करने करने में टाइम चला जाता है। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहे, और अगर मेरे वीडियो थोड़ा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जो कोई भी मेरे चैनल में नए आ रहे हैं वो लोग मेरे वीडियो को पहले से देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।